नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों को झटका लगा, लेकिन अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आया। अखिलेश यादव, जो इस बार उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार यूपी की सियासत में वो फिर से कमबैक करेंगे, इतनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, वहीं अयोध्या सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वहां पर भी अपना परचम लहराते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जो कवायद चल रही है, कहीं ना कहीं तमाम छोटे छोटे दलों को साधने की कवायद चल रही है। ऐसे में कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं, अपर्णा यादव हैं और कहीं ना कहीं संगमित्रा मौर्य का भी अब नाम निकलकर सामने आ रहा है, वरुण गांधी भी हैं। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव अपनी जीत का कहीं ना कहीं जो असर है वो विधानसभा चुनाव में भी दिखाने की कोशिश करेंगे और जाहिर तौर पर वो छोटे छोटे दलों का साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि संगमित्रा मौर्य भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर या तो अखिलेश यादव के साथ जा सकती हैं या फिर मायावती के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन उनका हो सकता है। अब ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लगातार उनको क्रिटिसाइज करते हैं। रैली जनसभाओं में हमेशा से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। अब उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य, जो दो बार से बदायूं से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन उनको कोई भी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी थी। बीते लोकसभा चुनाव में भी और इस बार के उपचुनाव में भी संगमित्रा मौर्य को भी कोई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। अब ऐसे में क्या वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए किसी और पार्टी का दामन थामेंगी? क्या इस बार अगर देखा जाए तो संगमित्रा मौर्य बीजेपी को बाय बाय बोलकर अखिलेश यादव या फिर मायावती का दामन थामेंगी? ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी पार्टियां अपना तो बचाने की लगातार प्रयास कर रही हैं। पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं अब गठबंधन का मुंह देखते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ओवैसी के साथ गठबंधन में रहती हैं, लेकिन उसका कोई खासा उनको फायदा देखने को नहीं मिलता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर उतरते हैं, लेकिन 24,000 वोट केवल उनको मिलते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी करारी हार ये हो सकती है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में हैं। इस बार के उपचुनाव में भी 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का वो फेमस चेहरा उतार सकते हैं जिनको इस बार वो इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसमें अपर्णा यादव, संगमित्रा मौर्य, वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह ऐसे तमाम चेहरे हैं जिस पर ये कवायद चालू है कि अखिलेश यादव इन सभी को मौका दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और भी गिरता हुआ नजर आएगा। वैसे में संगमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत पहले से लगाई जा रही थी। इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य यही प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे कि मायावती किस तरीके से उनको अपने गठबंधन में शामिल कर ले। लेकिन क्या वाकई में मायावती संगमित्रा मौर्य को लेंगी या अखिलेश यादव उनको साधने का प्रयास करेंगे? ऐसे में होड़ तो मची हुई है और छोटे छोटे दल की कहीं ना कहीं जो एक पूछ है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। लगातार अब चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी पार्टी का जनाधार वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि युवा चेहरे जो जनता के लिए, जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनकी उनकी राजनीतिक समझ है और जितना जनता में पकड़ है, ऐसे नेता अगर उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को फिर से एक बड़ी जीत मिल सकती है। वैसे में मायावती, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। अगर इन चेहरों को मौका नहीं मिलने से नाराज हो गए तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में संगमित्रा मौर्य क्या भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी या फिर इन पार्टियों का दामन थाम सकती हैं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर।